हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले रियल नंबर्स का हम मतलब समझेंगे। तो रियल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसको हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑन अ नंबर लाइन। हम इसको नंबर लाइन भी लिख सकते हैं, ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि वो वैल्यू या वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। रियल नंबर में कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम रियल नंबर्स को। ठीक है, और रियल नंबर्स ये सारे नंबर्स इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से नंबर इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर होते कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to infinity। ठीक है, एक चीज ध्यान देना कि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर। अब आते हैं होल नंबर पे। 0 होल नंबर होता है तो देखो, सबसे पहले हमने 0 लिखा हुआ है, होल नंबर होता है 0। होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर किसे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल क्यू से। इसको आर से नहीं करते हम रिप्रेजेंट। कहीं ये सोचो कि आर रेशनल तो आर से ही डिनोट करते हैं, और रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर समझेंगे। हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 8th-9th में भी। देखो, रियल नंबर हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में होने चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, जिसमें कि डिनोमिनेटर क्या है? क्यू। क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू इंटीजर होंगे, पी और क्यू इंटीजर होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पी कॉमा क्यू, और यहाँ पे ई जैसा साइन मिलेगा आपको, कैपिटल ई जैसा। तो ये हम इस तरह से बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। अब देखो, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड, इस तरह से पढ़ेंगे। अब जेड क्या है हमारा? इंटीजर। ठीक है, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। इस वाले साइन को हम बिलोंग्स टू करके पढ़ते हैं, इसको आप ध्यान देना। बिलोंग्स टू, जहां पे भी आपको ये साइन दिखे ना, सी और उसमें यहाँ पे डैश, इस तरह से इसको हम बिलोंग्स टू करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल नंबर को क्या होते हैं? रेशनल नंबर के अपोजिट होते हैं। रेशनल नंबर के अपोजिट होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। अब कैसे होते हैं अपोजिट? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, पर हो सकता है कि इनका क्यू 0 हो सकता है। क्यू 0 हो सकता है, यानी कि इनमें जितनी भी कंडीशन होती है ना रियल नंबर, रेशनल नंबर वाली, वो सारी उसकी अपोजिट होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, रूट टू, यानी कि जो भी नंबर्स रूट में आते हैं जिनका स्क्वायर नहीं निकल सकता नॉर्मल मेथड से, यानी जिनका कोई स्क्वायर नंबर नहीं होता है विदाउट डेसिमल, वो नंबर्स, और 0.17 बार। अब देखो यहाँ पे 0.17 बार, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो ये भी एक हमारा, इसमें बार लगी हुई ऊपर, यानी कि 7 बार बार रिपीट होगा। हमें नहीं पता किस पोजीशन तक रिपीट होगा ये 7 अकेला। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास इरेशनल नंबर। अब आते हैं लास्ट हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। मैंने यहाँ पर दिखाया था पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड, तो इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। अब इंटीजर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब देखो हमारा एक क्वेश्चन करेंगे अब हम इसका। ठीक है, लेमा को समझने के लिए क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45। अब हमें एचसीएफ हम वैसे तो निकाल लेते थे कि पहले 125 का एचसीएफ निकाल लेंगे कि 5 2 10, 5 5 25, 5 इस तरह से करके हम निकाल लेते थे, एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 में आ रहा है, इस तरह से करके हम निकालते थे। ठीक है, तो अब हमें इस तरह से नहीं निकालना है, हमें क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। ठीक है,
ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करोगे आप, जो छोटा डिजिट होगा अपना उसको तो हम क्या मान लेंगे, डिवाइजर। अब 45 छोटा है ना, 125 से 45 छोटा, इसको डिवाइजर मान लिया, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, ये यानी कि हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में हम उसे प्लेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो 45 को हमने डिवाइड किया, 2 जा से गया 90, सब्ट्रैक्ट करके 35 बचा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। बार बार ऐसे ही होगा, जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना, जो हमारा रिमाइंडर बनने बचेगा वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर, ठीक है। यानी कि उससे डिवाइड करेंगे, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे अब उसको डिवाइड करेंगे, एक तरह से ये बोले हम इजी वर्ड में। तो अब देखो 35 वन जा 35 10 बचा, और वापस हमने 35 को क्या बना लिया, डिवाइजर से डिविडेंड यहाँ पे आ गया। इसी तरह से 10 थ्री जा 30, इस तरह से हमारे 5 बचा रिमाइंडर। अब हमारा 10 क्या हो जाएगा, हमारा वापस से डिविडेंड, डिवाइजर से डिविडेंड बन जाएगा। उसके बाद 5 रिमाइंडर बचा, उससे डिवाइड करेंगे इसको हम, तो 5 टू जा 10 बचा क्या, 0। अब इसमें एचसीएफ क्या हुआ, ठीक है, एचसीएफ क्या हुआ हमारा, लास्ट जो हमारा डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर जो हमारा होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ है, समझे, दो नंबर आपको दिए हुए होंगे, आपको एचसीएफ निकालना है। तो क्या करोगे, इस तरह से आप डिवाइड करेंगे इसको, उसके बाद जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब मैंने देखो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख दिया, 125 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 35, ये सेटिस्फाई करेगा। अगर आप आरएचएस सॉल्व करो तो क्या होगा, देखो मैं लास्ट वाले के आरएचएस सॉल्व करके बताती हूँ, 5 टू 10, 10 का 0 10, आरएचएस एलएचएस इक्वल है, ठीक है, सेटिस्फाई करना नहीं। अब देखो मैं एचसीएफ निकाल कर बताती हूँ, इस तरह से इधर देखना। अब हम एचसीएफ हमारे मेथड से निकालेंगे, जैसे हम पहले निकालते थे ना एचसीएफ, जैसे हमने बचपन में सीखा है उस तरह से निकालेंगे। देखो अब 45 का एचसीएफ निकालेंगे, तो 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, 45 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मैं जो कर रही हूँ एक बार चेक आपको दिखाने के लिए कि ये करेक्ट है। हमारा लास्ट डिवाइजर हमारा हमेशा एचसीएफ होता है, ये बाकी के नहीं होंगे, जो लास्ट में है, जब हमारा रिमाइंडर और डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर, जीरो से आप 5 को डिवाइड कर ही नहीं सकते, यहाँ पे 0 है ना, आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 5 हमारा लास्ट डिवाइजर है, इसलिए एचसीएफ होगा। अब देखो 125 का निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो 5 टू जा 10, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 1 से 5, तो 125 का कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन नहीं है, सिर्फ एक 5 कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया हमारा, 5, यहाँ पर भी हमारा 5 था। तो मैंने शो करा है कि हमारा इस वाले तरीके से डिवाइडर तरीके से भी हमारा आ सकता है, ठीक है। लास्ट डिवाइजर वाला हमारा, ये लास्ट डिवाइजर वाला हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिवीजन लेमा दिया था। लेमा क्या होता है, लेमा बिल्कुल एक प्रूफ की तरह होता है, ठीक है। तो इस प्रूफ में क्या है, इस लेमा में क्या है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो दो यूनिक इंटीजर भी होंगे, वो क्या होंगे, क्यू और आर, सच दैट कुछ इस तरह से कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अभी ये थोड़ी इक्वेशन देखी देखी लग रही है, हमने क्या लिखा है, डिवीजन लेमा है ना, डिवीजन लेमा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ इसमें डिवीजन से रिलेटेड है, डिवीजन से रिलेटेड इसमें कुछ ना कुछ होगा, डिवीजन लेमा लिखा हुआ है। देखो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर,
हमारा रिमाइंडर थ्योरम करते हैं, हम प्रूव करते हैं कि क्या इसका रिमाइंडर है, क्या इसका क्वेश्चन है, है ना, इस तरह से प्रूव करते हैं। तो हमारी हुई ना डिविडेंड इक्वेशन होती है हमारी, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडर डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस तरह से हम लिखते हैं ना इस इक्वेशन को। तो ये वही इक्वेशन है जिसको यूक्लिड डिविजन लेमा कहते हैं हम। इसको इसने पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पे ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है और क्यू क्यू एंड आर दो यूनिक इंटीजर्स है, ठीक है। इसमें जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर, यानी कि आर की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी या फिर जीरो होगी, यानी कि आर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। और आर इज लेस देन बी, आर इज ऑलवेज लेस देन बी, बी क्या है हमारा डिवाइजर, यानी कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है। तो ये यूक्लिड डिविजन लेमा है, इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि यूक्लिड डिविजन लेमा पे बेस्ड है। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 वेयर q इज सम इंटीजर, यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 कोई पॉजिटिव इंटीजर है जहां पे क्यू भी कोई एक इंटीजर है, ठीक है। यानी कि 3 और क्यू दोनों ही कोई एक इंटीजर है, और जो ये प्लस 1 प्लस 2 आ रहे हैं, यानी कि ये पूरी एक टर्म क्या है, एक इंटीजर। हमें ये प्रूव करना है, शो करना है हमें, ठीक है, ये पूरा एक पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे कोई एक नंबर है ए, कोई एक नंबर मान लेंगे हम ए जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 3। ए को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे और बी क्या होगा, बी इक्वल्स टू 3 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे 3 यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये वाला नंबर क्या है हमारा 3, क्यू के पास वाला नंबर क्यों है क्या है 3। अब ऐसा क्यों किया हमने, देखो मैंने अभी यूक्लिड डिविजन लेमा पढ़ाई, उसमें क्या था हमारा प्रूफ, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब मैंने यहाँ पे ए क्यू लिया है, ए पॉजिटिव इंटीजर क्यों लिया है, क्योंकि ये डिविडेंड बनेगा, अभी आप समझ जाओगे आगे ये डिविडेंड बनेगा। बी क्या होगा हमारा, बी क्यू प्लस आर, बी क्या होगा 3, ठीक है, इसलिए हमने बी 3 ऐसे होगा क्योंकि 3q प्लस 1 इस फॉर्मेट में ना 3q प्लस 1 इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 और वो वाला 3q लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 3q प्लस 0 इस फॉर्म में है वो, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसलिए मैंने बी इक्वल्स टू 3 लिया है क्योंकि ये डिविजन एल्गोरिथम वाली फॉर्मेट में है हमारा, ठीक है। फिर हम डिविजन लेमा लगाएंगे, फिर क्या होगा, ए और बी में डिविजन लेमा लगाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा, ये इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब क्या करूंगी मैं, मैंने बी 3 को सपोज किया था तो मैं क्या करूंगी, बी की जगह पे 3 पुट कर दूंगी, तो बी की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया है यहाँ पे, बस बी की जगह पे हमने 3 पुट करा है, बाकी सारा कुछ ऐसे है। हमने बी की जगह पे 3 पुट करा है तो आर है, आर जो है वो 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा, और इसी तरह से जो हमारा 3 है यानी कि बी है वो हमेशा रिमाइंडर, आर क्या है हमारा रिमाइंडर है, बी डिवाइजर है, ठीक है, उससे तो हमारा डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। अब एक मैं आपको फिर समझा देती हूँ रिमाइंडर डिवाइजर वगैरह सब क्या है, जो हम इस इन डिविजन के टाइम पे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, हम जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम, वो कहलाता है डिविडेंड, ठीक है। जो हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं होता है डिवाइजर, यहाँ पे जो हम बाहर लिखते हैं जो हमारा आंसर होता है क्वेश्चन, और नीचे लास्ट में बचता होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो आर इक्वल्स टू क्यू 0 1 2, मैंने यहाँ पे आर इक्वल्स टू 0 1 और 2 पुट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, हम ऐसे ही कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो मैंने 0 1 और 2 पुट करा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली जो इक्वेशन है हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू सारी, आर की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगी तो ये आएगा 3q प्लस 0, आर की वैल्यू 1 पुट करूंगी 3q प्लस 1 आएगा, अगर आर की वैल्यू 2 पुट करूंगी 3q प्लस 2 आएगा, ए इक्वल्स टू 3q प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 क्या होगा 3q, बाकी सारे एज इट इज आएंगे। इसका मतलब क्या है, देयर फोर एनी इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3q 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तो हमारा एंड में हमारा जो हमें रिजल्ट चाहिए तो वो हमें मिल गया है, यानी कि कोई एक ऐसा इंटीजर है जो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर है ए जिसको हम बी क्यू प्लस आर की तरह लिख सकते हैं,
इसका ये मतलब है कि कोई एक नंबर आ ए है जिसको हम बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो बी क्यू प्लस आर क्या है, थ्री क्यू प्लस टू, थ्री क्यू प्लस वन, ये सारे है। ठीक है, अब देखो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ये भी यूक्लिड डिवीजन लेमा में बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमने पिछले नंबर में किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को हमने प्रूव किया था कि वो थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू की फॉर्म में होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि उस नंबर का स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर, तो हमने नंबर को क्या ले लेंगे, हम क्या सपोज कर लेंगे कि वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारे पास, a है। ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर a है और पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया ही है कि सिर्फ एक नंबर का, पॉजिटिव नंबर का क्या कैसे आएगा फॉर्मेट, थ्री क्यू प्लस 1 और थ्री क्यू प्लस 2, यानी कि पॉजिटिव नंबर किस फॉर्मेट में होंगे, थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू की फॉर्मेट में। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर हमने पॉजिटिव इंटीजर की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर लेंगे। अब ये तो सिर्फ नंबर थे, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे नंबर। ठीक है, अब क्या करना है, इन नंबर का स्क्वायर करना है, टू टाइम्स करना है इनको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेंगे ए इक्वल्स टू थ्री क्यू, तो ए इक्वल्स टू थ्री क्यू में स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, बोथ द साइड्स हम स्क्वायर कर लेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर ऐसे के साथ जाएगा, थ्री थ्री से नाइन होता है, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हम नाइन को कैसे लिख सकते हैं, नाइन क्या होता है, थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन होता है, तो हमने नाइन की जगह पे क्या लिख दिया, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, क्योंकि थ्री 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 से कितना होता है नाइन। और साथ में हमने एक चीज और सपोज की है कि एम इक्वल्स टू थ्री क्यू है। ठीक है, अगर हम ये सपोज नहीं करेंगे तो हम ये नहीं निकाल पाएंगे कि ये इसका स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि देखो इधर इधर ये m है, इधर m है। ठीक है, इधर जो क्वेश्चन है वो m है और यहाँ पे हमारे पास q है, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू थ्री क्यू हम सपोज कर लेंगे, इस चीज को याद रखना, m हमने थ्री क्यू सपोज किया है क्योंकि इसे हम इन दोनों इक्वेशन में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर की क्या वैल्यू जाएगी, फिर ए स्क्वायर की क्या वैल्यू जाएगी, जब हम थ्री क्यू की जगह m पुट कर देंगे, m इक्वल्स टू थ्री क्यू, थ्री की जगह पे हम एम पुट कर देंगे तो थ्री एम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला नंबर जो है, यानी कि पहला नंबर वो क्या है, ए स्क्वायर, नंबर क्या था, ए नंबर का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, और वो क्या आ गया, थ्री एम, प्रूव कर दिया पहला नंबर प्रूव कर दिया। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रूव करेंगे, दूसरा नंबर क्या है, थ्री एम प्लस वन, ये हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, दूसरे नंबर का, अब देखो दूसरा वाला करते हैं, अब देखो ये सेकेंड वाला था थ्री क्यू प्लस वन। ठीक है, सेकेंड वाला था थ्री क्यू प्लस वन, पहला वाला क्या था हमारा थ्री क्यू, ठीक है, एक प्लस टू थ्री क्यू, दूसरा था थ्री क्यू प्लस वन, तीसरा था थ्री क्यू प्लस टू, तो थ्री क्यू प्लस टू वाले को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू का आंसर सेम ही आने वाला है, तो इसको करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ ये ही प्रूव करना है थ्री एम और थ्री एम प्लस वन, थ्री एम प्लस टू में, यानी और कुछ हमें प्रूव नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा तो हमें सेकंड वाला क्या था हमारा थ्री क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस वन वाला सॉल्व करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्यू स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर जो कि स्क्वायर हो। ठीक है, स्क्वायर कर लिया दोनों साइड पे, तो थ्री क्यू प्लस वन आ गया, अब दो टर्म्स आ गई है, एक ब्रैकेट में होल स्क्वायर है और दो टर्म्स आ गई, तो हमें क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ए दिया हुआ है इसलिए मैंने वाई यूज किया है, एक्स और वाई यूज किया है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये बिल्कुल सेम है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो हमने वैल्यू पुट करी, ठीक है, वैल्यू पुट करी, देखो जरा a क्या है हमारा थ्री क्यू है, यानी x y क्या है हमारा थ्री क्यू, तो हमने ये मतलब इस इक्वेशन में यूज करते हुए हमने इसको इस तरह से लिख दिया, देखो नाइन क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स एक्स सॉरी सिक्स क्यू, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके लिखने के बाद हमने क्या किया, सिक्स क्यू और वन की इंटरचेंज कर देंगे, प्लेस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस वन। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगा के आया है हमारा आंसर। उसके बाद देखो नाइन क्यू स्क्वायर और सिक्स क्यू में क्या कॉमन है, एक तो क्यू कॉमन है और एक थ्री कॉमन है, दोनों थ्री के मल्टीपल्स है नाइन और सिक्स, तो हमने थ्री क्यू कॉमन ले लिया, फिर अंदर क्या बचा, अगर हम नाइन क्यू स्क्वायर को हम अगर थ्री क्यू से डिवाइड करेंगे तो एक तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक क्यू कैंसिल हो जाएगा और नाइन और थ्री थ्री जा नाइन, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा थ्री क्यू, तो ये थ्री क्यू बच गया। ठीक है, इसी तरह से अगर सिक्स क्यू के लिए करेंगे तो सिक्स क्यू, देखो आप इधर सिक्स क्यू डिवाइड बाय थ्री क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, थ्री टू जा सिक्स, तो कितना बचा, आप देखो मैंने ये फर्स्ट वाले का मिटाया नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
हमने फर्स्ट वाले में क्या किया था, जब हम जो हमारा था a इक्वल्स टू 3q वाला जो था हमारा, ठीक है, इसमें हमने क्या किया था लास्ट में m सपोज किया था कि m ये जो पार्ट है ये 3q ये क्या है m है, तो हमारा क्या आ गया था 3m जो कि हमें चाहिए था। अब हमें क्या चाहिए 3m प्लस 1, तो अब हम क्या करेंगे ये जो ये वाला जो पूरा पार्ट है इस पूरे पार्ट को मैं क्या सपोज कर लूंगी m, इस पूरे पार्ट को मैं क्या सपोज कर लूंगी m, ठीक है। अब देखना अगर हम इसको m सपोज कर लें तो क्या होगा, देखो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 वेयर q मल्टीप्लाई 3q प्लस 2 इक्वल्स टू m, समझे। देखो हमें क्या प्रूव कर रहा था 3m प्रूव, एक तो 3m के लिए प्रूव कर रहा था हमें 3m के लिए और एक 3m प्लस 1 के लिए प्रूव कर रहा था कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके आएंगे स्क्वायर करके आएंगे, ठीक है। तो मुझे ये बनाना था, इधर m बनाना था, तो मैंने q मल्टीप्लाई 3q प्लस 2 को मैंने क्या सपोज कर लिया m, तो हमारे पास क्या क्या आ गया 3m प्लस 1, इसी तरह से हमारे पास 3m आया था, ठीक है, इसी तरह से 3m आया था। तो ए स्क्वायर में ये भी ए स्क्वायर में है, ये भी ए स्क्वायर में आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं हेंस 3m एंड 3m प्लस 1 आर पॉजिटिव इंटीजर, है ना, आर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस तरह से लिख सकते हैं। देयरफॉर 3m एंड 3m प्लस 1 आर द स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इससे पहले हमने क्या किया था, सिर्फ नंबर वाला, ये है स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा के क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।